हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ पूनम और हमारे किचन में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हमने आप लोगों के साथ शेयर किया है आलू और सूजी का एकदम चटपटा सा नाश्ता। इसे बनाना बहुत आसान है, बहुत झटपट से बनके तैयार हो जाता है और बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद आता है। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने यहाँ पे 150 ग्राम सूजी को ले लिया है और इसके साथ 4 मीडियम साइज के उबले हुए आलू को ले लिए हैं। सबसे पहले करना क्या है, आलू को ग्रेट करना है। तो इस तरीके से आलू को ग्रेट कर लें। अगर आपके पास ग्रेट करने वाला नहीं है तो आप इसे हाथ के द्वारा ही मैश कर सकते हैं। तो इधर देखिए, हमने इसे मैश कर लिया है। तो चलिए चलते हैं अपने कढ़ाई के पास। तो हम सबसे पहले कढ़ाई में तेल को डाल देते हैं। ज़्यादा तेल को नहीं डालना है, थोड़ा सा ही तेल डालना है। तो यहाँ पे हमारा जो तेल है ना, गर्म हो चुका है। अब इसमें डाल देंगे 1 चम्मच जीरा। जीरा जब हल्का से चटक जाए तो इसमें डाल देना है थोड़ा से तिल। अगर आपके पास तिल नहीं है तो आप ना डालें। हम इसमें डाल देते हैं तिल। जब ये थोड़ा से भून जाए तो इसमें डाल देते हैं कटी हुई हरी मिर्च को। सभी चीज़ों को अच्छे से भून लेना है। जब भुनाई हो जाए तो फिर इसमें ऐड करना है पानी। और एक बात यहाँ पे ध्यान रहे, आप जितना सूजी ले रहे हो ना उसका डबल पानी डालना है। तो हमने 1 कप सूजी लिया था तो हम 2 कटोरी इसमें पानी डालेंगे और इसी के साथ हम अपने मसाले को भी ऐड कर देंगे। तो हम इसमें 1/2 चम्मच डाल देते हैं हल्दी का पाउडर और 1 छोटा चम्मच डालते हैं धनिया का पाउडर और थोड़ी सी कटी हुई धनिया की पत्ती डाल देते हैं और स्वाद के अनुसार नमक डाल देते हैं। सभी चीज़ों को डालने के बाद इसको ढक देना है जब तक कि एक इसमें से उबाल ना आ जाए। तो यहाँ पे हमारा जो पानी है चलने लगा है, आप लोग देख सकते हो। जब पानी चलने लगे तो जो सूजी है ना उसको इसी में डालना है और डालने के बाद कंटिन्यू ऐसे चलाते रहना है। फिर इसके बाद जो हमने आलू को मैश किया था उसको भी इसी में डाल देना है। दोनों को डालने के बाद बढ़िया से करना है मिक्स, एकदम अच्छे तरीके से इसको पका लेना है इसी में जब तक कि यह सूख ना जाए। आप लोग देख रहे हो कि मतलब यह सूख रहा है, सूखते सूखते मतलब यह एक डो के फॉर्म में तैयार हो जाएगा। तो बस इसी तरीके से ना इसको हल्का से पका के सुखवा लेना है। तो हमारा यह रेडी है। इसको हम अपने एक बर्तन में निकाल लेते हैं और निकालने के बाद इसको रख देंगे ठंडा होने के लिए। जब हल्का से ठंडा हो जाएगा तो हम अपने नाश्ते को बनाएंगे। तो यहाँ पे 5 मिनट हो चुका है और यह ठंडा भी हो चुका है। तो चलिए इसका फटाफट से शेप दे देते हैं। तो ऐसे एक छोटा सा लोई ले लेना है और इसको बना लेना है लोई। फिर ऐसे हाथ पे चिपटा करके एक बर्तन लेना है, उसी पे रख के ना ऐसे हाथ के द्वारा प्रेस करना है। बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करना है, इसको ऐसे छोटे में फैला लेना है, थोड़ा सा मोटा ही रखना है। फिर इसके बाद करना क्या है ना, इसका कटिंग करना है। तो एक में हम 4 पीस करेंगे और जल्दी भी हो जाता है, फटाफट से इसका शेप दे लेते हैं हम। आप चाहें तो इसका गोल गोल शेप दे सकते हो या फिर टिक्की का भी शेप दे सकते हो। तो हमने इसे त्रिकोणा शेप दिया है, आप लोग देख सकते हो बहुत ही बढ़िया कटा है, बहुत बढ़िया बना है। तो चलिए फटाफट से ना इसको फ्राई कर लेते हैं और आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा तवा है ना गर्म हो गया है, तो इसमें तेल को डाल देते हैं। तेल को बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, सिर्फ थोड़ा सा डाल के ना ऐसे फैला देना है। तो अब करना क्या है, जब तेल गर्म हो जाए तो अपने इस टिक्की को इसी पे रख लेना है एक एक करके। तो हमने सारा रख दिया है तो इसको ना अभी नहीं पलटना है, अभी इसे नीचे की तरफ ऐसे सिकने देना है। जब हल्का से सिक जाएगा नीचे की तरफ तब इसको पलटना है। तो यहाँ पे ना 5 मिनट हो चुका है हमारा और हमारा जो ये नाश्ता है नीचे की तरफ सिक चुका है। तो इसे एक एक करके हम पलट देते हैं सारा। आप लोग भी देख सकते हो ना यह सिक चुका है। तो इसी तरह से पलट देना है और इसको नीचे की तरफ भी पकने देना है। और करना क्या है ना, चम्मच की सहायता से 2-3 चम्मच इसके अंदर तेल डाल देना है ताकि जो नाश्ता है ना अच्छे से पक जाए। इसी प्रकार से हम तेल को डाल देते हैं और बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, सिर्फ थोड़ा सा ही डालना है। तो और इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं 5 मिनट तक। तो इधर देखिए हमारा जो नाश्ता है ना सारा हमने इसे उलट पलट के ऐसे पका लिया है, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बना है। आप लोग देख सकते हो बहुत ही बढ़िया बना है। तो अगर आप सबको हमारी ये वाली रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना।